हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल उपचार नुस्खे में। हम चैनल उपचार नुस्खे में डेली एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की हुई सभी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। होठों का दूर करें कालापन। काले होंठ गुलाबी बनाने के घरेलू उपाय। आजकल के समय में इंसान की खूबसूरती बहुत ही मायने रखती है। गुलाबी होंठ किसी भी इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगा ही देते हैं, फिर भले ही आप महिला हो या पुरुष। कई बार तो बेहद खूबसूरत और आकर्षक चेहरा होते हुए भी काले होंठ की वजह से फीके नजर आने लगते हैं। होंठों के कालेपन की मुख्य वजह यह है, अनियमित खानपान, स्मोकिंग आदि होती है। सूरज की हानिकारक किरणों में ज्यादा रहने पर भी होंठों में कालापन आ सकता है। अगर आप बिना लिपस्टिक लगाए नेचुरल लुक में रहना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं होंठों को नेचुरल गुलाबी, मुलायम और सुंदर कैसे बनाएं, इससे जुड़ी चीजों के बारे में। काले होंठ को गुलाबी करने के लिए कुछ आसान टिप्स। होठों का कालापन दूर करें दूध मलाई के प्रयोग से। होठों का कालापन दूर करने के लिए दूध की मलाई सबसे असरदार उपाय है। दूध की मलाई रात को सोते समय होठों पर लगाने से होठ कोमल तो होते ही हैं, साथ ही उनका कालापन भी कम होने लगता है। इसके अलावा होठ फटने पर दूध की मलाई में थोड़ी सी हल्दी को मिलाकर कुछ दिनों तक लगातार लगाने से आपके होठों का रूखापन दूर होने लगता है। होठों का कालापन दूर करें चीनी का स्क्रब। होठों का कालापन होठों में जमे डेड स्किन की वजह से भी होने लगता है। इसे हटाने के लिए चीनी को मिक्सर में पीस लें, इसमें कुछ मात्रा मक्खन या शहद की मिलाकर होठों पर लगाएं। इससे कुछ दिनों में होठ कोमल और मुलायम लगने लगेंगे, साथ ही होठों का कालापन भी दूर होते नजर आने लगेगा। काले होठों का रंग नेचुरल गुलाबी केसर से। गुलाबी और लाल होठों के लिए केसर भी एक असरदार घरेलू उपाय है। केसर को कच्चे दूध में पीसकर होठों पर मलने से होठों का कालापन दूर होने लगता है, और साथ ही इस प्रक्रिया को लगातार करने से आपके होंठ आकर्षक और गुलाबी होने लगेंगे। गुलाब के फूल से पाए गुलाबी होंठ। माना जाता है कि होठों की सुंदरता को बढ़ाने और इन्हें गुलाबी करने के लिए गुलाब का इस्तेमाल करना बेहद ही फायदेमंद होता है, और साथ ही यह प्रकृति तरीकों में से एक माना जाता है। गुलाबी होंठ पाने के लिए गुलाब के फूल की पत्तियों को पीसकर इसे रात को अपने होठों पर लगाएं और सुबह उठकर इसे साफ पानी से धो लें। इसे साफ करते ही आपको अपने होठों में गुलाबी पनसा दिखने लगेगा। इसके अलावा गुलाब जल की कुछ बूंदों को शहद में मिलाकर होठों पर लगाने से भी काफी फायदा होता है। होठों का कालापन दूर करें ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से। कई बार ऐसा भी होता है कि होठों के गुलाबी होते हुए भी ये रूखेपन के कारण काले दिखने लगते हैं। होठों को गुलाबी बनाने के लिए पहले तो इन्हें सूखने और फटने से रोकें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी महंगे प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल में वैसलीन मिलाकर लगाएं और इससे आपके होंठ मुलायम और गुलाबी दिखने लगेंगे। होठों का कालापन दूर करें नारियल और बादाम का तेल। काले होठों का कालापन दूर करने के लिए नारियल का तेल और बादाम का तेल बराबर मात्रा में एक एक चम्मच लें। इसे रात में सोने से पहले अपने होठों पर लगाएं और रात भर के लिए ऐसी छोड़ दें, और इसके बाद सुबह उठकर इसे धोएं। यह आपके होठों को नरम और खूबसूरत बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसा हर रोज करने से आपके होंठ गुलाब की तरह खिलने लगेंगे। होठों का कालापन दूर करने के लिए नींबू का इस्तेमाल। माना जाता है कि होठों का कालापन हटाने के लिए नींबू एक असरदार और नेचुरल तरीकों में से एक है। नींबू को काटकर उसको अपने होठों पर धीरे धीरे मलने से भी होठों का कालापन दूर होते दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह सभी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।